वार के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मुंतकली, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू वायर। अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने 1876 में एक सादा टेलीफोन का मॉडल बनाकर साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में एक जगह दूसरी जगह भेजा। यह मॉडल टेलीफोन मैटर की एक रेड, एक इलेक्ट्रिकल कॉइल और एक वायर, एक वाइब्रेटिंग डायाफ्राम पर मुश्तमिल है। जदीद फोन में भी डायाफ्राम के इस्तेमाल से फोन लाइन पर भेजी जाने वाली साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील किया जाता है। टेलीफोन सिस्टम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, माउथ पीस और एयर पीस। माउथ पीस और रिसीवर कार्बन ग्रेन और एक बारीक मेटल डायाफ्राम पर मुश्तमिल होते हैं। जब हम माउथ में से बोलते हैं तो साउंड को की वाइब्रेशन डायाफ्राम की को वाइब्रेट करती हैं। डायाफ्राम की मामूली सी वाइब्रेशन कार्बन ग्रेन को कंप्रेस करती हैं। इस तरह वायर में इलेक्ट्रिक करंट बहने लगता है, जबकि लाइन की दूसरी तरफ मौजूद रिसीवर पर यह मूल के बरक्स होता है। रिसीवर में इलेक्ट्रिक करंट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से गुजरता है, जिससे तब्दील होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड रिसीवर के बारीक मेटल डायाफ्राम को कशिश करके इसमें वाइब्रेशन पैदा करता है, और डायाफ्राम की भी ये वाइब्रेशन साउंड वेव पैदा करती है।